चैप्टर टू द फार्मर एंड गोल्डन एक्स। आज हमने चैप्टर टू करना है किसान और सोने का धंधा। वंस अपॉन ए टाइम ए फार्मर हैड ए मैजिक गूस। मैजिक गूस क्या होता है? जादुई हंसिनी या फिर फाख्ता भी बोलते हैं इसको। एक समय की बात है, एक किसान के पास एक जादुई हंसिनी थी। एवरी डे शी लेड ए गोल्डन एग। प्रत्येक दिन वह सोने का अंडा देती थी। द फार्मर सोल्ड द एग एट ए गुड प्राइस। किसान उस अंडे को अच्छे दाम पर बेच देता था। इन कोर्स ऑफ टाइम कुछ समय बाद द फार्मर बिकेम रिच। किसान अमीर बनता गया। ही बिल्ट ए लार्ज हाउस। उसने अपना एक बड़ा घर बनवा लिया। इन विच ही लिव्ड विद हिज वाइफ। जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एंड चिल्ड्रन। इन विच ही लिव्ड विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। दे हैड गुड फूड टू ईट एंड फाइन क्लोथ्स टू वियर। उनके पास खाने के लिए अच्छा खाना और पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। दिस वेंट ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये सब बहुत समय तक चलता रहा। सडनली वन नाइट ए विक्ड आइडिया। विक्ड होता है बुरा, बुरे विचार। केम टू हिज माइंड। सडनली एक रात अचानक किसान के दिमाग में एक बुरा विचार आया। ठीक है, ही थॉट दैट। उसने सोचा ही कुड बी वेरी रिच बाय टेकिंग आउट ऑल द गोल्डन एग्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द गूस। उसने क्या सोचा? वह और भी अमीर हो जाएगा यदि वह हंसनी के पेट में से सारे सोने के अंडे एक ही बार निकाल ले। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर किल्ड द गूस विद ए बिग नाइफ। अगली ही सुबह किसान ने उस हंसनी को एक बड़े चाकू के साथ मार डाला। When he tore her body wide open, जब उसने हंसनी का पेट चीरा, he found that there were no eggs inside. क्या था? उसके अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। He went mad with misery because the goose was dead. वह उसे कितना दुख हुआ वह अपनी बेवकूफ़ी के कारण। ही वेंट मैड वह पागल हो गया विद माइसरी अपनी बेवकूफ़ी के कारण। बिकॉज द गूस वाज डेड हंसनी मर गई। एंड ही वुड नॉट गेट गोल्डन एग्स एनी मोर। और उसे अब और सोने के अंडे भी नहीं मिल सकते थे।